बिल्कुल आखिरी दौर में इस बातचीत के हम लोग देवेंद्र जी एक सवाल, ये जो महाराष्ट्र है आपका प्रदेश है, आपका जो विचार है, चाहे संघ की बात करें, आपके संगठन की बात करें, इस पूरे देश भर में आपकी पार्टी को, आपके विचार को, उसकी गंगोत्री है महाराष्ट्र। नागपुर की बात करें, उस नागपुर से आप आते हैं, लेकिन उस महाराष्ट्र में इतने बड़े विचार, जिस विचार को आप कहते हैं हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले गए, लेकिन उस उतने बड़े विचार को यहाँ पर 4-5 दलों का गठबंधन करके सरकार चलानी पड़ रही है, क्या कई बार ये दुविधा का प्रश्न नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए कितने दल साथ में ये महत्व का नहीं होता, कौन से विचारों से काम कर रहे ये महत्व का होता है। और सारे दलों को साथ में लेने के बाद भी विचार हमारा है, हमारे विचारों के बाहर कोई दल नहीं जा सकता, और अगर हमारे विचारों के बाहर कोई दल जाएगा तो उसके साथ हम एक दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक तो ये बाहर थे ना, वो होंगे कोई चक्की पीसिंग वाले लोग थे, भैया देखिए कोई आदर्श वाले लोग थे। आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग तो एक जना में 2 थे जी, हाँ 2 चुनकर आए थे ना, वहां से 305 तक पहुंचे, तो लोग हमारे साथ जुड़ते गए और कारवा बनता गया जी। लेकिन हमने हमारी बात को तो नहीं छोड़ा, हमने तो 370 को नहीं छोड़ा, हमने तो राम मंदिर को नहीं छोड़ा, हमने तो हमारे जो मूलभूत इस प्रकार के विचार है उनको नहीं छोड़ा। तो लोग जुड़ रहे हैं, हमारा विचार बढ़ रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके विचारों से नहीं जुड़ेंगे, वो हमारे विचारों से जुड़ेंगे, हमारा विचार ही वो मान्य करेंगे, हमारा विचार ही बढ़ेगा। इसलिए मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, और कोई जुड़ना चाहता तो उसको भी जोड़ेंगे और अपने रंग में रंगा लेंगे।